हालेपुर में प्रधानाध्यापक ने कराया सराहनीय कार्य। अजीत मलौरिया क्षेत्र के ग्राम हालेपुर में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर रामपाल प्रजापति द्वारा कराया गया सराहनीय कार्य। दिखाई दिया सरकार द्वारा शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। मीडिया टीम विद्यालय पहुंची तो सबसे पहले मुलाकात गांव के कुछ लोगों से हुई। गांव के लोगों ने बताया कि यहां के प्रधानाध्यापक इतने अच्छे हैं कि विद्यालय को एक नया रूप दे दिया। उन्होंने स्वयं फावड़ा चलाकर विद्यालय को साफ स्वच्छ किया। स्टाफ में पारिवारिक माहौल देख करके स्टाफ ने भी विद्यालय के सौंदर्यकरण हेतु श्रमदान किया। जब जब मीडिया टीम प्रधानाध्यापक से रूबरू हुआ तो उन्होंने बताया कि विद्यालय को बदतर स्थिति से उबारने के लिए विद्यालय के स्टाफ का अथाह सहयोग मिला और विद्यालय को एक नई दिशा में लाया गया। बच्चों से रूबरू होने पर बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि दर्शाते हैं और बताया कि हम सभी अध्यापक नियमित आकर हम सबको पढ़ाते हैं और ज्ञान सिखाते हैं। कई बच्चों से प्रश्न पूछने पर उन्होंने सटीक जवाब भी दिए। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मिड डे मील का निरीक्षण किया जिसमें साफ सफाई दिखी और स्कूल में खाना भी मेनू के आधार पर और मानक के अनुरूप बना। जहाँ विद्यालय में दयनीय स्थिति है वहीं एक विद्यालय ऐसा भी है जो आकर्षण का केंद्र बना। संवाददाता अमित कुमार शर्मा और सुशांत पाल। पिताजी का नाम क्या है? श्री संजय कुमार। माता क्या नाम है आपके? श्रीमती विनीता देवी। किस गांव में रहते हो आप? हालेपुर में रहते हो। अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? उत्तर प्रदेश में लखनऊ। लखनऊ है। और भारत की राजधानी? भारत की राजधानी नई दिल्ली। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है बेटा? श्री आदित्यनाथ मोदी जी। योगी जी हैं। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। अपने भारत के जो है गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह जी। सोवीपाल। सोवीपाल। पिताजी का नाम क्या है? श्री अरविंद सिंह। माता जी का नाम क्या है? श्रीमती अर्चना पाल। आपके गांव का नाम क्या है? ग्राम हालेपुर। हालेपुर। आपका थाना कौन सा पड़ता है? थाना अजीतमल पड़ता है। अच्छा ये बताइए भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री आदित्यनाथ योगी। अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की लखनऊ। और भारत की राजधानी? नई दिल्ली है जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रामपाल प्रजापति। आपके इस प्राथमिक विद्यालय की दशा पहले बहुत खराब थी। 2 साल पहले मैंने यहाँ देखा था, यहाँ ना तो बाउंड्री थी ना यहाँ कोई ये फल फूल कुछ किसी तरह कुछ नहीं था। ये सब किस तरह से हुआ? प्रधान ने करवाया या आपने स्वयं किया? विद्यालय में जब मैं आया विद्यालय का परिवेश बहुत खराब था। बाउंड्री ना होने की वजह से आवारा जानवर सीधे क्रॉस करते थे। बच्चों को चोट लगने का डर रहता था। सजग रहना पड़ता था। उसके लिए सबसे पहले मैंने चारों तरफ खाई खुलवाई ताकि जानवरों का या वाहनों का आना जाना बंद हो सके। फिर प्रधान से रिक्वेस्ट की, शासन को लिखा, विभाग को लिखा, धीरे धीरे निधि स्वीकृत हुई और बाउंड्री वाल बना। तो ये जो पेड़ पौधे लगाए, ये जो अंदर आपने जो है फुलवाड़ी वगैरह लगाई, ये सब निधि से हुई है आपने स्वयं से? विद्यालय में जितना भी वृक्षारोपण हुआ है, लॉन बनाया गया है, सौंदर्यीकरण हुआ है, पौधे लगाए गए हैं, ये सारे के सारे मेरे निजी खर्चे पर लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि जो ये इंटरलॉकिंग वगैरह हुई इसमें मजदूरों के अभाव में टीचरों ने भी योगदान दिया, क्या कहेंगे इस संबंध में? हाँ, मेरे यहाँ जो स्टाफ है बहुत सहयोगात्मक स्टाफ है, वो हमेशा स्कूल को अच्छे बनाने प्रयासरत रहता है। जब विद्यालय का लॉन बनाया गया तो यहाँ मिस्त्री नहीं थे, यहाँ पर दो अध्यापक शिव कुमार जी और सुभाष चंद्र जी, इन्होंने स्वतः मिस्त्रीगिरी का कार्य करके कार्य किया और मेरे द्वारा और यहाँ के वरिष्ठ अध्यापक श्री अनुपम प्रकाश तिवारी के द्वारा लेबरी का कार्य करके इस लॉन का कार्य कराया गया। इससे जो है ब्लॉक में, अजीतमल ब्लॉक में और दूसरे विद्यालय भी इस तरह कोई डेवलप हुए? मुझे अपने विद्यालय से फुर्सत नहीं मिलती है, मुझे अपने विद्यालय में अच्छा लगता है, कहाँ क्या हुआ नहीं पता, लेकिन अध्यापकों को ऐसा करना चाहिए क्योंकि मीडिया के माध्यम से अन्य शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चे गरीबों को पढ़ते हैं, मजदूरों को पढ़ते हैं, असहायों के पढ़ते हैं, सरकार बहुत पैसा देती है, हमें इसके प्रति कुछ सोचना चाहिए। विद्यालय एक
मंदिर है, मंदिर में पूजा करनी चाहिए। पूजा करना शिक्षक का कार्य है, पढ़ाना शिक्षक का कार्य है, ये सारे अध्यापकों को करना चाहिए। ये वो मंदिर है जहाँ पर तुरंत प्रतिफल मिलता है, तुरंत मिलता है, महीने पढ़ाने के बाद तुरंत सैलरी आ जाती है, किसी मंदिर में ऐसा नहीं होता है। सारे अध्यापकों को ऐसा करना चाहिए विद्यालय।